जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे सुनकर आपको आज भी गुस्सा आता होगा, लेकिन केजरीवाल सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी नजर आ रही है। जेएनयू मामले में दिल्ली सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार फाइल को रोक नहीं सकती। केजरीवाल सरकार ने अब तक चार्जशीट को मंजूरी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार से पूछा था कि अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो सरकार ने मंजूरी क्यों नहीं दी। देश के खिलाफ षड्यंत्रों और साजिशों को किसी भी तरह से कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। अब आपको केजरीवाल सरकार की देरी के पीछे की कहानी बताते हैं। केजरीवाल इस केस के जरिए सियासत चमकाना चाहते हैं। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि कन्हैया ने देशद्रोह किया है, जबकि जी न्यूज के वीडियो सबूत पर सीएफएसएल की मुहर लग चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि केजरीवाल आखिर कन्फ्यूजन वाला सियासी नाटक क्यों कर रही हैं? 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। जेएनयू देशद्रोह मामले में अब 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार, अनिर्बान, उमर खालिद और 7 कश्मीरी लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप के तहत चार्जशीट पेश की थी। 14 जनवरी को पुलिस ने करीब 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। देशद्रोह मामले में दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट को राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। अब आपको बताते हैं केजरीवाल सरकार की क्या प्लानिंग है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों की माने तो अभी तक फाइल गृह मंत्री कार्यालय में पड़ी है। सरकार का कहना है कि उसके पास 3 महीने का समय है। ऐसे में अगर कन्हैया मामले में पुलिस को सरकार से मंजूरी नहीं मिलती है तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के पास होम डिपार्टमेंट है। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।